हेलो पीपल, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, क्योंकि कोविड का केस जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अपना ध्यान रखें। और आज हम लोग बनाने वाले हैं खीर। उसके लिए हम सबसे पहले पतीले में दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीनट लेंगे 1/4 कप, यानी कि आधे का भी आधा हमें मूँगफली लेना है। उसको ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये हमारा मूंगफली जो है रेडिश ब्राउन कलर का ना हो जाए। और साइड बाय साइड हमें क्या करना है, दूध को भी हिलाते रहना है, जिससे नीचे का जो बेस है वो जल ना जाए और ना ही हमारा दूध जो है वो बाहर गिर जाए, क्योंकि अगर नज़र हट जाएगी तो दूध ज़रूर गिर सकता है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा जो पीनट है वो बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर का हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में निकालेंगे, ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब हमारा ये घी ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, अपना फ्लेम लो कर देंगे और उसमें हम पोहा उसके अंदर डाल करके उसको रोस्ट करेंगे। हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, मतलब हमारा पोहा जो है रेड कलर का हो जाना चाहिए, ना कि कच्चा रहे और ना ही मतलब वाइट कलर का नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल काला होना चाहिए, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का भी हमें पोहा चाहिए। यहाँ मैं पोहे को अच्छे से रोस्ट करूँगी। यहाँ देखो हमारा पोहा जो है बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर का हो चुका है। अब इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। अब हम क्या करेंगे, जिस पीनट को हमने ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया था उसको हम अच्छे से पील ऑफ कर देंगे, मतलब छिलका हम हटा देंगे, जिससे जब हम इसको ग्राइंड करें या फिर हम इसको जब हम ट्रांसफ़र करें दूध में तो वो बिल्कुल अलग सा ना दिखे। यहाँ पे देखो हमारा छिलका जो है बिल्कुल हट चुका है पीनट से, बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस पीनट को हम एक जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। और हम क्या करेंगे, जो हमने पोहा रोस्ट किया था घी में उसको भी हम इसी में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे ये दोनों जो है अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कौन सा खीर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे तो वैसे मीठा पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना चाहिए। यहाँ पे हमने पोहा और पीनट को ट्रांसफ़र कर लिया है ना जार में, अब हम इनका क्या करेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कैसा चाहिए। हमें बिल्कुल ऐसा ही एक फाइन पेस्ट चाहिए पोहे और पीनट का। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जार लेंगे, उसके अंदर हम चीनी और इलायची दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि चीनी जो है ना ग्राइंड कर दोगे तो बहुत जल्दी खुल जाता है, वरना चीनी को घुलने में टाइम लगता है और इलायची भी ईजिली कूट जाता है, मतलब अलग से सेपरेटली आपको कूटना ना पड़े। यहाँ मुझसे गलती हो गई थी, जब मैं शूट कर रही थी तो मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी और मेरा पचका हो गया। आप लोग क्या करना, दूध में जो आपने पोहे और पीनट का जो पेस्ट बनाया था ना, वो इसके अंदर आप ट्रांसफ़र कर देना, और बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। आप इसको धीरे धीरे इन सारे लम्स को हटा लेना। फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल हाई कर रखा है, देखो कैसे उड़ रहा है। तो इस बिल्कुल लो कर लेना फ्लेम को। उसके बाद हमें क्या करना है, जो आपने चीनी का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर आप ट्रांसफ़र कर देना। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और मुझे आप लोग ज़रूर बताना कौन कौन से तरह के आपने खीर खाए हुए हैं, क्योंकि ये मैंने पहली बार ट्राई करा है, ये मेरी मम्मी का इन्वेंशन है, मेरी मम्मी ने बताया। और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आपने कौन कौन से तरह की खीर खाए हुए हैं, और अगर आपने ये वाला खीर नहीं खाया है तो आप प्लीज़ ट्राई करना। यहाँ हमारा खीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको गीला खीर पसंद है तो आप इसमें दूध और डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा ड्राई पसंद है तो आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जितना भी आपका ड्राई फ्रूट हो वो इसके अंदर आप डाल देना। यहाँ पे हमारा खीर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।